दोस्तों ये देखिए हमारी पर्पल कॉलीफ्लावर, दोस्तों ये है हमारी रेड सलजम, और आप इसको कट कर लेता हूँ। मूली भी क्या होती है, मिट्टी से ऊपर आ जाती है जब मैच्योर होने लगती है, तो इसे मैं आज मैं इसे यहाँ से हार्वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये है हमारी गांठ गोभी, और इसे हम, दोस्तों ये है मेरा पिंक अमरूद, और देखिए आज मैं आपको इसे काट कर दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा निकलेगा। 2, 4, 6, 8, 10 नींबू हमने तोड़ लिए हैं, ये पूरे इस तरह से बंच में लगते हैं। ये देखिए ये आ गया है मेरे पास। दोस्तों ये है मेरी खास मूली जो कि होती है काले कलर की, तो आप दोस्तों ये लगी हुई है हमारी चुकंदर, और ये देखिए सारे चेरी टमाटर लग रहे हैं पूरे लाल लाल, तो आज इनकी होने वाली है हार्वेस्ट। दोस्तों आज हम करने वाले हैं हमारे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से सब्जियों की हार्वेस्टिंग, और आपको दिखाएंगे सारी सब्जियां कि कैसे मुझे मेरे छत पर बने हुए गार्डन से मिलती हैं ढेर सारी सब्जियां तोड़ने को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज के गार्डन की सब्जियों की हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए ये मेरे टमाटर का एक पौधा लगा हुआ है, और अब इससे पहली हार्वेस्टिंग हमें मिलने वाली है, तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। और आप देखिए ये कितने अच्छे टमाटर हमें मिले हैं, ये दो टमाटर रेड हो गए हैं, ये भी रेड हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये पूरा बंच हार्वेस्ट कर लिया है। तो इसे रख देते हैं यहाँ पर जहाँ पर आज हम सारी सब्जियाँ रखने वाले हैं, और तोड़ते हैं दूसरी सब्जियाँ। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये है पीली गोभी, आप देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया हुआ है, और इसके पौधे के पत्ते बड़े होते हैं काफ़ी। आज मैं इसे यहाँ से हार्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ हार्वेस्ट करने के लिए आपको देखिए इस तरह से हेड पकड़िए और साइड से ही आपको इसे इस तरह से कट कर लेना है। देखिए ये मैंने यहाँ से कट कर लिया है, ये जो पत्ते हैं आप इन्हें हटा दीजिए, और इनका मैं यहीं पर कंपोस्ट में इस्तेमाल करता हूँ। और फिर देखिए कितना अच्छा हमें जो है आज ये येलो कॉलीफ्लावर का जो है फूल मिला हुआ है। तो ये मैंने पत्ते निकाल दिए, अब आप देखिए ये काफ़ी सुंदर, मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ, और इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखिए किस किस को इस तरह से येलो कॉलीफ्लावर खाना पसंद है ज़रूर बताएं। अगर आपने पहले इसे गार्डन में लगाया है तो उसके बारे में भी कमेंट्स करें। मैं हर साल लगाता हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने लगाया था, इस साल भी मैंने लगाई है। तो चलिए ऐसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो ये हमने जो ब्रोकली के पौधे लगाए हुए थे अब इनमें बन गए हैं इस तरह के हेड, तो इसका भी आज हम इसे यहाँ से हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो ब्रोकली के हेड को आपको थोड़े नीचे से काटना है, कितने नीचे से आप देख सकते हैं, ये मैं इनको यहाँ से काटूँगा, और इस तरह से आप इसे काट लीजिए। और बाद में इसमें से कुछ ब्रोकली छोटी छोटी आएंगी, उनसे ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए मैं इस पौधे को फिर बाद में हटा दूंगा। आप देख सकते हैं ये मैंने इनके पत्ते निकाल दिए, और ये देखिए मेरी ऑर्गेनिक ब्रोकली, ऊपर से आप पूरा देख सकते हैं, ये फूल होते हैं एक्चुअली जो खिले नहीं होते हैं, और इस तरफ से ये देखिए सिंगल सिंगल ऐसी आपको मिलेगी। तो इन्हें आप बढ़िया अच्छे से, इसका स्टेम ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, और ये पूरा फूल बहुत अच्छा है। देखिए कैसी ब्रोकली लगी आपको ज़रूर बताएं। इसे भी रख देते हैं सब्जियों के साथ, एक दो फूल और हैं उन्हें भी तोड़ लेते हैं। अब देखिए ये ब्रोकली के जो फूल हैं वो थोड़े से खुलने लगे हैं, तो इस समय आप इसे हार्वेस्ट कर लीजिए, अगर आपने इस समय हार्वेस्ट नहीं किया तो ये पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इसे भी मैं इस तरह से कट कर लेता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा छोटा फूल है लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, और अभी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मतलब इसको हम खा सकते हैं। इसे भी रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। देखिए तीसरा फूल ये है, इसे भी हमने काट लिया है क्योंकि यहाँ से ये भी अपने कलर चेंज कर रहा था। दोस्तों ये हैं हमारे भरता बैगन, और हर हार्वेस्टिंग में मुझे यहाँ से 2 से 3 बैगन मिलते हैं। देखिए ये कितना अच्छा बैगन है, कलर आप देख सकते हैं, साइज भी काफ़ी अच्छा है। एक मैं यहाँ से इसको तोड़ ले रहा हूँ, ये भी हो गया है, एक मैं यहाँ से इसे कट कर ले रहा हूँ, ये थोड़ा छोटा है, इस साइज में भी आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, और एक यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, तो इसे हम हार्वेस्ट कर लेंगे, और एक इस तरफ है,
जो कि थोड़ा छोटा है। ये देखिए, तो टोटल ये चार हमने जो है भरता बैंगन आज तोड़ लिए हैं। दोस्तों ये है हमारी लौकी, और पिछली हार्वेस्टिंग में मैंने यहाँ से 5 kg की जो है लौकी हार्वेस्ट की थी। इस हार्वेस्टिंग में थोड़ी सी छोटी मिल रही है तो इसे हमने काट लिया है। देखिए इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। देखिए ये बहुत छोटी लौकी है, लेकिन ये अब बड़ी नहीं होगी तो इसे भी मैं आज यहाँ से कट कर ले रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। और 2 लौकी मिल गई हैं, ये दोनों को रख देते हैं सब्जियों के साथ और फिर तोड़ते हैं दूसरी सब्जियाँ। दोस्तों ये हैं मेरे चेरी टमाटर, और देखिए कितने सारे चेरी टमाटर लग रहे हैं, पूरे लाल लाल। तो आज इनकी होने वाली है हार्वेस्टिंग, तो एक एक यहाँ से हम बंच तोड़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा एक बंच है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा, बाद में ये सारे रेड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा बंच है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मुझे ये पूरा बंच मिल गया रेड टमाटर का, इन्हें मैं रख देता हूँ देखिए यहाँ पर। अब आप देखिए ये पूरा बंच है, और ये जो है चेरी टमाटर, चेरमी के नाम से इसके बीज मिलेंगे आपको, और ये इसी तरह से बंच में लगता है। तो जो जो रेड टमाटर हैं इनके हम इस तरह से ये बंच जो हैं उन्हें हम हार्वेस्ट करेंगे, ये देखिए। और यहाँ पर एक ये है, आप इसको जो टमाटर पक गए हैं आप उन्हें भी तोड़ सकते हैं, या फिर इस तरह से पूरा जो टमाटर का बंच है उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। ये देखिए ये भी ये काट लिया हमने, और यहाँ पर ये वाला ये काट लिया हमने। और जब चेरी टमाटर तोड़ने को मिलते हैं तो फिर ये बहुत सारे लगते हैं। एक इनकी खासियत है कि जब एक बार ये हो जाए तो उसके बाद आपको इनको काफ़ी ज़्यादा आपको ये टमाटर तोड़ने को मिलेंगे। और इसको हम यहाँ से काटेंगे, ये देखिए। तो अभी हमने इतने टमाटर तोड़ लिए हैं, बाकी इस तरफ के हैं जो और टमाटर हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे जो लगे हुए हैं इस तरीके से, और ये जो टमाटर के पौधे हैं वो 12x15 इंच के जो है ग्रो बैग में लगे हैं, ये देख सकते हैं नीचे ये ग्रो बैग है इस तरह, और एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगा है हमारा। अब ये देखिए नीचे से बिल्कुल इस तरह से टमाटर लगने लगते हैं। अब ये क्या है, इसमें 3 टमाटर तो रेड हैं बाकी ग्रीन है, तो मैं इन 3 को अलग से तोड़ लेता हूं और इस पूरे बंच को तोड़ लेता हूं। ये देखिए इस तरफ ये देख सकते हैं आप, तो यहां पर भी ये 3 टमाटर हैं, तो हम इन्हें अलग से तोड़ लेंगे और इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये पूरा बंच ही तैयार है, ये देखिए बिल्कुल अंगूर की तरह लगते हैं मुझे तो, आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताएं। और इतने सारे टमाटर मिल गए हैं तो इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये हैं करेले, और करेले लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्ट किए थे, और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप इस तरह से कितना अच्छा ये करेला है। तो जितने ये करेले हैं इन्हें आज हम तोड़ने वाले हैं यहाँ से, और इस तरह से आपको करेले देख देख कर तोड़ने होंगे। जो बड़े बड़े करेले हैं आप उन्हें इस तरह से तोड़ लीजिए। ये क्रीपर नेट पे जो बेल है हमने इसकी फैला रखी है करेले की, और इसी बेल में जो फिर ये करेले हमें ये लटकते हुए दिखते हैं, तो यहाँ से हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। और नीचे से ये लगते हैं देखिए इस तरह से, बिल्कुल नीचे से लगेंगे। और ये सर्दियों में मैं करेले हार्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो करेले हैं वो सर्दियों में मैं तोड़ रहा हूँ, तो आप इनको सर्दियों में भी उगा सकते हैं, गर्मी में भी ये हो जाएंगे। और कुछ तो काफ़ी ऊपर हैं तो उन्हें हम सीढ़ी लगाकर अभी हार्वेस्ट कर लेंगे, पहले हम नीचे वाले करेले तोड़ लेते हैं। तोड़े बड़े करेले, और अब हम तोड़ रहे हैं इस तरह से छोटे गोल करेले। तो ये इसी तरह के होंगे, इनका साइज बड़ा नहीं होगा। तो अगर आपने इस तरह के करेले के बीज लिए हैं तो फिर आप इनको इसी साइज में तोड़ लीजिए। अगर आप इनको बड़ा होने का इंतज़ार करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे पीले। और कुछ का साइज काफ़ी छोटा है और कुछ का साइज काफ़ी बड़ा हमें मिला है, तो मैं अभी सभी जो है आपको तोड़ कर दिखाता हूँ।
और इतने साइज के जब ये हो जाएं तो इतने साइज के तक आप तोड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये हमने तोड़ना भूल गए हम इसे, तो देखिए ये हो गया है येलो, तो अब ये कोई काम का नहीं है, तो इसे आप हटा सकते हैं या फिर इसे और येलो होने दीजिए, बाद में इसके बीज आप काम में ले सकते हैं उगाने के लिए। और इस तरह से ये हमने तोड़ लिया है, और यहाँ पे जो करेले हैं इन्हें भी देखिए, ये हमारी क्रीपर। और अब देखिए ये छोटे हैं, अब मैं बड़ा आपको करेला दिखाता हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है ये देखिए इस तरफ ये है, और इसको मैं यहाँ से तोड़ता हूँ तो ये देखिए कितना बड़ा है, तो ये इसका फुल साइज़ है, ये भी काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हैं आप, इन्हें भी रख देते हैं। इनको आप इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं, देखिए जैसे मैं तोड़ लेता हूँ, बस इसको थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यहाँ पर बिना कटर के भी आप इन्हें तोड़ सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, और जब ये मिलने लगेंगे तो छोटे ज़रूर होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको हार्वेस्ट करने को मिलेंगे, तो आप इस तरह से इन्हें जितना आप इन्हें तोड़ते जाएंगे उतने ये आपको आगे चल के मिलते जाएंगे। दोस्तों ये हैं गिलकी, और देखिए इस तरह से जब ये गिलकी हो जाए तो आप इन्हें तोड़ लीजिए, और थोड़ी सी कुछ बड़ी गिलकी भी हो गई हैं हमारी, तो इन्हें भी हम यहाँ से हार्वेस्ट कर लेते हैं आज। ये काफ़ी बड़ी हैं लेकिन अभी भी अच्छी हैं, सॉफ्ट हैं। मिल गई हैं दोस्तों, ये देखिए हमारी पर्पल कॉलीफ्लावर, फूल थोड़ा छोटा है इसका लेकिन अभी मैं इसे तोड़ लेता हूं वरना फिर हार्वेस्टिंग में लेट हो जाएंगे तो ये फिर खराब हो जाएगा, तो इस तरह से हम इसे नीचे से तोड़ते हैं, और ये जो हैं पत्ते मैं हटा देता हूं, और फिर देखिए आप कितना अच्छा हमें ये आज पर्पल कॉलीफ्लावर का जो है फूल मिला हुआ है। ये देखिए पत्ते भी इसके हल्के पर्पल ही होते हैं ऊपर से आप देखेंगे, ये देखिए अंदर वाले, और ये है हमारा फूल। जम, और आप देखो इसे इस तरह से मैं आज निकालने वाला हूं, और आप कितनी अच्छी ये मिली है आप देखिए, और ऊपर से ये रेड रहेगी अंदर से ये व्हाइट निकलेगी। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो रेड राउंड रेडिस होती है तो वो अलग है, और ये लाल जो सलजम है ये अलग है, और इसको भी हम निकाल लेते हैं। और ये इसकी खासियत ये है कि ऊपर दिखने लगती है क्योंकि इसकी जो रूट है ये मिट्टी में रहती है, बाकी ये जो हिस्सा है ये ऊपर ही दिखने लगता है इस तरह से। और तीन हमने निकाली हैं, एक ये भी है, इसे भी मैं निकाल ही लेता हूँ, तो ये देखिए अलग थोड़ा सेफ है इसका। बाकी जो सबसे अच्छा साइज है वो ये है, ये दो का मुझे बहुत अच्छा साइज मिला, और ये दो थोड़ी छोटी हैं, तो ये चार हमने सलजम यहाँ से आज निकाल ली हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। हाँ दोस्तों, ये है हमारी येलो गोल्डन कलर की सलजम, और आप देखो ये वाइट होती है, और कुछ एक में अलग पर्पल कलर आया है यहाँ पर, और इसको भी यहाँ से हम निकालने वाले हैं, तो देखिए इस तरह से ये बनती हैं। और अभी हमने रेड निकाली थी, ये वाइट हैं, जो बड़ी हो गई हैं उन्हें हमने निकाल लिया है, तो अभी ये दो ही हैं, तो इन दो को रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारी मूली, और आप देखिए ये मूली इस तरह से होती है, फाड़ने वाला हूँ, ये देखिए आप, ये
देखिए कितनी लंबी है, एक 1.25 फीट के आसपास होगी ये, मेरे हाथ से आप देख सकते हैं। और जितनी भी बड़ी मूली हैं उन्हें हम आज निकाल लेंगे। दूसरी ये है और तीसरी ये है, थोड़ी पतली है, और फोर्थ नंबर की ये है। तो ये देखिए ये 4 मूली हमने निकाल ली, इन्हें भी रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। सबसे अच्छी मूली मुझे ये वाली लगी, आपको कौन सी मूली अच्छी लगी ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। दोस्तों ये है हमारी गांठ गोभी और इसे हम आज मैं हार्वेस्ट करने वाला हूं, तो इस तरह से इसे काटेंगे और ये देखिए इस तरह से निकलेगी। इनको हमें हटा देना होता है ये जो पत्ते हैं, और ये जो गोल हिस्सा है इसी को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है, पहली बार मैंने इसे आज जो है पहली हार्वेस्टिंग है इसकी। ये देखिए इस तरह से हमने हटा दिया है, और भी हैं जो इनको भी तोड़ लेते हैं। एक और है यहाँ पर, तो इसे मैं रख देता हूँ साइड में और इसे मैं यहाँ से काट लेता हूँ और इसके पत्ते यहाँ से हम निकाल देते हैं। और एक ये है, तो ये भी हो गई है, तो इसे भी हम काट लेते हैं। इस तरह से इसे काटना होता है, आप इस पौधे को उखाड़ भी सकते हैं सीधा। अंदर से देखिए बिल्कुल अभी सॉफ्ट है, थोड़ी मैं इनको पहले ही हार्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इन्हें थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं। और ये सारे पत्ते हम रख देंगे अलग। और ये हमारी देखिए 3 गांठ गोभी, तो इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये लगी हुई है हमारी चुकंदर, और ये देखिए काफ़ी बड़ी चुकंदर बनी है, थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो इस तरह से चुकंदर के जो पौधे हैं आप इन्हें निकालें, इसके साथ देखिए छोटी भी निकल गई, इसे भी रख लेते हैं। और एक ये है, एक ये साइड में है, और यहाँ पर एक ये है। तो ये हमने इतनी बीट रूट को आज निकाल लिया है, देख सकते हैं आप, और ये अंदर पूरी लाल निकलेगी, बहुत ज़्यादा डार्क रेड होती है, जैसे ही आप खाएंगे आपका मुंह पूरा लाल हो जाएगा। इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ, साथ में ये पत्ते भी जो हैं खाए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इन्हें भी खाया जा सकता है। दोस्तों ये है मेरी खास मूली जो कि होती है काले कलर की, तो आप ये हमारे पाक चाय के पौधे हैं, और आप देखिए इन्हें मैं इस तरह से नीचे से ही, आप इन्हें काट सकते हैं, पत्ते भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें नीचे से ही कट कर रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम हमने पत्ते तोड़े हुए थे। इस तरह से इसका ये पूरा फूल बनता है। और एक ये पाक चाय के जो पौधे हैं इन्हें हार्वेस्ट कर लिया है, इन्हें भी रख देते हैं सब्जियों के साथ। इस तरह से ये मिर्च लगती है, आपको यहाँ से एक एक मिर्च को इस तरह से हार्वेस्ट करना है। देखिए 2 मिर्च लगी हैं, और देखते चलिए, हरी में हरी जल्दी नहीं दिखती, तो जैसे जैसे ये मैच्योर होती जाए आप उन्हें तोड़ते जाइए। में देखिए आप कितनी सारी मिर्च लग रही हैं, ये देखिए छोटी 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 मिर्च हैं, और जो पहले इसमें जो मिर्च लग गई थी नीचे वो अब बड़ी हो गई हैं, तो हम उन्हें तोड़ लेंगे, क्योंकि जब ये इस तरह से बड़ी हो जाएंगी तो आपको इन्हें तोड़ना होगा। देखिए कहाँ से मैं बता रहा था आपको, अंदर की आप देख सकते हैं, ये मिर्च बड़ी है, इसके बाद ये मिर्च देखिए, ये मिर्च 2 बड़ी हैं जो पहले की हैं।
दोस्तों भिंडी वैसे तो सर्दियों में नहीं होती, लेकिन देखिए हम सर्दियों में भिंडी को हार्वेस्ट कर रहे हैं और मैंने बस ट्राई करने के लिए इन्हें लगा दिया था तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल गया मुझे। और अभी बीच में थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ गई तो इससे भिंडियाँ भी काफ़ी मिलने लगी हैं। दो चार भिंडी से हमने हार्वेस्ट करना शुरू किया था और इस बार तो हमें काफ़ी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है, आप देख ही सकते हैं सामने। पौधे कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन भिंडी काफ़ी अच्छी हमें मिल रही हैं और इस साइज तक की हम तोड़ लेंगे। यहाँ तक आप इन्हें हार्वेस्ट करेंगे ताकि ये ऊपर की जो है भिंडियाँ और बड़ी होने लगें। इस तरह से देखिए यहाँ पर और इसको भी हम तोड़ लेते हैं, इस तरह से काट लेते हैं। ये देखिए आप इतनी भिंडी मिल गई हैं और ठीक है, सर्दियों में जितनी मिल रही हैं उतना बढ़िया है। दोस्तों ये है मेरी येलो फ्रेंच बीन्स और लास्ट टाइम हमने यहाँ से काफ़ी फ्रेंच बीन्स तोड़ी हुई थी और अभी देखिए जो हमने छोड़ी थी वो इस तरह से बड़ी हो गई हैं और येलो हो गई हैं, तो अब ये बिल्कुल तैयार हैं तोड़ने के लिए। अगर आप इन्हें सही समय पर नहीं तोड़ेंगे तो देखिए इतनी बड़ी हो जाएगी, इसके अंदर बनने लगेंगे दाने और फिर उसमें नहीं होता अच्छा टेस्ट, तो आपको इन्हें थोड़ा सा जल्दी ही काट लेना है इस तरीके से। दोस्तों ये पर्पल और ग्रीन फ्रेंच बीन्स हमारी लगी हैं, दोनों मिक्स हैं तो इन्हें आज मैं मिक्स ही हार्वेस्ट कर लेता हूं। यहां से जो लास्ट हार्वेस्टिंग में हमने छोड़ी थी अब वो हो गई हैं बड़ी, इस तरह से आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये हमारा काफ़ी ऊपर लगा हुआ है और इनके बीच में है, तो मैं इन्हें आज कोशिश कर रहा हूँ तोड़ने की। अब देखिए किस तरह से हम इसे तोड़ते हैं और इसे हमें मोड़ना ही पड़ेगा इस तरीके से। और ये देखिए ये आ गया है मेरे पास, इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा। और ये देखिए ये आ गया अंदर से, देखिए इस तरह से रेड निकलेगा, ये इसका फूल है, इसे हटा देते हैं और आप देख सकते हैं ये मुझे मिला है आज यहाँ से ड्रैगन फ्रूट। और इस ड्रैगन फ्रूट के पौधे से मैंने काफ़ी ड्रैगन फ्रूट पहले भी तोड़े हुए हैं, अभी ये लास्ट है। ये अभी पेड़ पर ही लगा हुआ है आप देख सकते हैं, खासियत इसकी क्या है, इसमें बहुत कम बीज बनते हैं और ये पूरा इस तरह से रेड होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब कि आप एक बार लगाइए और खाकर देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। मार्केट में भी ये मिलने लगे हैं और बहुत ही खास इसका टेस्ट होता है। पिछले बार मैंने यहाँ से 3 अमरूद हार्वेस्ट किए थे तो अभी फिर से यहाँ से देखिए इसे मैं ऊपर से ही कट कर लेता हूँ और ये इसका हिस्सा है, वापस देखिए इस तरह से लगेगा। और आप साइज देखिए, अगर आपको इतनी बड़ी साइज चाहिए अमरूद की तो इसे कैसे खाद देनी है, कैसे ये पौधा लगाना है, सारी केयर का वीडियो चैनल पे पब्लिश है, तो इसे रखते हैं। और देखिए ये एक दो और हैं यहाँ के अमरूद, तो इन्हें हमें तोड़ लेता हूँ। जैसे कि ये दो अमरूद हैं यहाँ पर, तो इन दोनों को यहाँ से हार्वेस्ट कर लेंगे हम, ये छोटा वाला भी तोड़ लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी तैयार है, इसे भी हम तोड़ लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ऊपर आप ये देख रहे हैं तो इन्हें भी हम तोड़ लेंगे। ठीक है,
दोस्तों ये है एप्पल बेर और देखिए इस तरह से इन्हें तोड़ लीजिए। इसमें गुठली बहुत ही छोटी सी होती है, अनमैच्योर टाइप की गुठली होगी, किसी किसी में तो निकलती ही नहीं है। देखिए ये यहाँ पर रख जाऊँ, ये देखिए सही साइज ये होता है, ये देखिए जो सही साइज है वो इस तरह का है। इस तरह का साइज आपको मिलेगा तो बहुत अच्छा लगता है। ये इसे भी मैंने तोड़ लिया है और जो ऊपर लगे हैं तो उनको ऊपर ही जाके तोड़ना पड़ेगा। उस तरफ चले आप, है ना, ये पूरे इस तरह से बंच में लगते हैं। ये मेरा एक नींबू का पेड़ है और यहाँ से मिलते हैं मुझे ढेर सारे नींबू। तो अभी देखिए नींबू का अचार डालने का भी समय आ गया है। तो इस तरह से जब ये नींबू थोड़े से येलो हो जाते हैं तब मैं इन्हें तोड़ता हूँ और हर बार मैं आठ दस नींबू यहाँ से तोड़ लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एक ये भी हो गया है, थोड़ा सा साइज इसमें छोटा आया है लेकिन आप नींबू देख सकते हैं, देखिए नींबू कितने सारे लगे हुए हैं। तो नींबू बहुत सारे हैं, साइज थोड़ा छोटा है और इसके अंदर जूस बहुत ज़्यादा होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, काफ़ी जूसी होता है ये। और इस तरफ ये लगा हुआ है एक, इस तरफ ये भी हो गया है, इसको भी हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। देखिए ये भी है, देखिए आप इसको अगर इसके नींबू को तोड़ते जाएंगे तो इसमें ढेर सारे नींबू लगेंगे। अभी ये मैंने ये नींबू तोड़े हैं, अभी आप देखिए इसमें फूल भी आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, देखिए ये फूल भी आ रहे हैं, छोटे छोटे नींबू बन भी रहे हैं। इसलिए मैं हर बार के हार्वेस्टिंग में इतने नींबू तो तोड़ ही लेता हूँ। एक और देखिए नींबू पीछे लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा हाथ ये गया और इस नींबू का वजन इतना ज़्यादा हो गया था पौधे का कि एक तरफ झुक गया था, तो हमने देखिए यहाँ पर ये लकड़ी लगा दी है ताकि ये पूरा इसमें जो है इसका वजन एक जगह सब जाए, वरना वो एक तरफ पूरा झुक रहा था नींबू। तो इतने नींबू हमें मिल गए हैं, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 नींबू हमने तोड़ लिए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है देखिए ड्रम स्टिक और ये काफ़ी बड़ा पौधा हो गया है, तो मैं इसको यहाँ पर लाकर इस तरीके से तोड़ रहा हूँ और इसको ज़्यादा हम झुकाएंगे तो ये टूट जाएगा। थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं, ये हैं देखिए दोस्तों ड्रम स्टिक। कुछ ये बड़ी अच्छी साइज मिली है, कुछ हमने ऐसी पतली भी तोड़ ली है, तो इस साइज का आप करके इसे तोड़ सकते हैं। और ये जो ड्रम स्टिक का पेड़ है जहाँ से मैंने इनको तोड़ा हुआ है, ये 24x24 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है, 2 साल पुराना ये पौधा हो गया है। पहले साल से ड्रम स्टिक आपको तोड़ने को मिलने लगेगी अगर आप इसे लगा लेंगे, बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। ये है मेरी धनिया और इसे मैंने पहले 2 बार हार्वेस्ट कर लिया है और आज इसकी लास्ट हार्वेस्टिंग हो रही है, इसके बाद इसे हटा दिया जाएगा और नई जो धनिया है वो हमने लगा दी है इस ग्रो बैग में जो आप ये सामने देख रहे हैं। तो यहाँ से मैं बिल्कुल इसको बॉटम से ही आज धनिया की जो पत्ती हैं इन्हें मैं काट रहा हूँ। ये तो दोस्तों गोल लौकी है और थोड़ी छोटी मिली है, काफ़ी कुछ इसमें इंसेक्ट अटैक था तो इसे मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। एक गोल लौकी वो लगी है उसे भी तोड़ लेता हूँ। ठीक है,
दोस्तों ये हैं मेरे चूचू बैगन जो कि भरमा बैगन हैं, और इनका आप भरमा बैगन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से ये होते हैं। और ये देखिए इस तरह से ये झुक्कों में लगते हैं। ये देखिए इतने भरमा बैगन मिल गए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो दोस्तों देखिए आज मुझे इतनी सारी सब्जियां यहां से हार्वेस्ट करने को मिली हैं। देख सकते हैं ये ब्रोकली के 3 फूल हमने तोड़े हुए हैं, 3 यहां पे ये नोल खोल हैं, गांठ गोभी 10 से ज़्यादा हमने नींबू तोड़े हुए हैं, ये आप देख रहे हैं हमारी पीली गोभी, यहाँ पर पर्पल गोभी, 4 भरता बैगन, और ये देखिए टमाटर का पूरा बंच हमने तोड़ा हुआ है। यहाँ पर ढेर सारे करेले, इस तरफ आप देख रहे हैं तो चेरी टमाटर, ये गोल वाले करेले, और आप देखिए कितना बड़ा करेला है। ये छोटे वाले चूचू बैगन, 2 यहाँ पे गोल लौकी, यहाँ पे इतनी धनिया, ये पाक चौय, यहाँ पे आ जाएं तो देखिए ड्रैगन फ्रूट, ये हमारा पिंक, यहाँ पे देखिए अमरूद, इस तरह से ये पिंक निकलता है, तो 5 ये पिंक अमरूद, इतने एप्पल बेर, फ्रेंच बीन्स पीली कलर की, ग्रीन कलर की, पर्पल कलर की, यहाँ पे ये हमने तोड़ी है मिर्च, यहाँ पे हमारी ये आप देख रहे हैं तो भिंडी, इस तरफ आप देखिए तो चुकंदर, ये चुकंदर है, ये लाल सलजम, ये वाइट सलजम, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाइट मूली, और ये खास ब्लैक मूली यहाँ पर, और यहाँ पर रखी है ये ड्रम स्टिक। तो ये सारी सब्जियाँ मैंने आज मेरे टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट की हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से सब्जियाँ उगाना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं जो वहाँ पर टिप्स बताता हूँ उन टिप्स का इस्तेमाल करें और फिर अपने खुद के घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं। आज की ये हार्वेस्टिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और उन्हें बताएं कि कैसे आप भी अपने घर पर इतनी अच्छी सब्जियाँ उगा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।